If we read in 1 Corinthians 13 and 4. यदि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 4 पढ़ते हैं. Love is patient. प्रेम धीरजवंत है. Love is kind. प्रेम कृपालु है. And verse 7. और वचन 7 कहता है. It always protects. ये हमेशा सुरक्षा करता है. Always trusts. हमेशा भरोसा करता है. Always hopes. हमेशा आशा करता है. And always perseveres. और हमेशा धीरज रखता है. If you see in the Old Testament, यदि आप पुराने नियम में देखें, God is looking for someone to save the Israelite. परमेश्वर किसी को ढूंढ रहा था कि वो इसराइलियों को बचा सके. God seeks a trustworthy heart. परमेश्वर भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढता है. And in all Egypt, who does God find? और पूरे मिस्र में परमेश्वर किसे पाता है? The odd one out. वो अजीब व्यक्ति को पाता है. Moses. मूसा को. Moses was मूसा तो in the king's palace, in Pharaoh's palace. मूसा तो राजा के यानी फिरौन के महल में रहता था. In the palace there are all Egyptians. और उस महल में तो सभी मिस्री लोग थे. But Moses is the only Israelite there. लेकिन मूसा केवल एकमात्र इजरायली व्यक्ति वहाँ पर था. So he's the odd one of all the people. वो उन सभी लोगों में बिल्कुल अजीब व्यक्ति था. But God chooses him. लेकिन परमेश्वर ने उसे ही चुना. After he comes to Israel. वो इसराइल में जब आता है. And marries Zipporah. और ज़िपोरा से जब वो शादी करता है, God comes to him in a burning bush. परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में उसे दर्शन देकर बातें करता है. And God says, "Go, Moses, and ask Pharaoh to let my people go." वो कहता है, मूसा तू जा और फिरौन से कहना कि मेरे लोगों को तू जाने दे. Moses is the chosen one. मूसा तो चुना हुआ व्यक्ति था. But look at what Moses says. लेकिन देखिए मूसा क्या कहता है. In Exodus 4:10. निर्गमन 4:10 में. First thing he points out is his weakness. सबसे पहले तो वो अपनी कमजोरी ही सामने लाकर रख देता है. He says, Lord, I'm a stutterer. वो कहता है, प्रभु मैं तो हकलाने वाला व्यक्ति हूँ. He says, I am slow in speech. वो कहता है, मैं बोलने में बहुत धीमा हूँ. When God calls him, जब परमेश्वर उसे बुलाता है, that's the first thing he tells God. तो वो सबसे पहले परमेश्वर को यही तो बताता है. Lord, I'm slow in speech. हे प्रभु मैं तो बोलने में बहुत ही धीमा हूँ. His weakness comes out. उसकी कमजोरी वहाँ पर बाहर आती है. And secondly he says. और दूसरी बात वो कहता है. Lord send someone else. हे प्रभु तू और किसी को भेज दे. I am too afraid to do this. मैं ये सब कुछ करने के लिए बहुत घबराता हूँ. This is too much for me to handle. ये सब कुछ संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. Sometimes we are like that as well, right? कई बार हम भी ऐसे ही होते हैं. सच कहना. When God calls us, जब प्रभु हमें बुलाता है, to do something, कि हम कुछ करें, to fulfill our destiny, कि हम अपनी मंजिल को पूरा कर दें, we run from it, हम उससे दूर भागते हैं, and we say, Lord, I can't do this, और हम कहते हैं, प्रभु, मैं तो इसे नहीं कर सकता, this is too much for me, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, Lord, I am too weak to do this, हे प्रभु, मैं ये करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ, but look in the Bible, लेकिन बाइबल में आप देखिए, God chooses the weakest person. परमेश्वर सबसे कमजोर व्यक्ति को ही चुनता है. God chooses the odd one out. परमेश्वर अजीब या जो अलग है उसे चुनता है. You know, you all know how big our God is. आप सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है. Because man looks at the face. क्योंकि मनुष्य जो है वो तो केवल चेहरे को देखता है. And God looks at the heart. और परमेश्वर दिल को देखता है. God saw straight into Moses's heart. परमेश्वर सीधा मूसा के दिल को देखता है. And not to his body. और उसके शरीर को नहीं देखता. So to God, your weaknesses are nothing. और इसलिए परमेश्वर के लिए आपकी कमजोरी तो कुछ भी नहीं है. These weaknesses are only for the world. ये जो कमजोरी है ये तो केवल संसार के लिए है. But to God, they are nothing. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो कुछ नहीं है. So God calls Moses. और इसलिए परमेश्वर मूसा को बुलाता है. And Moses and Aaron go to Pharaoh. और मूसा और हारून फिरौन के सामने जाते हैं. And Moses stands up in front of Pharaoh. और मूसा फिरौन के सामने खड़ा होता है. And he says, "Let my people go." और वो ये कहता है कि मेरे लोगों को तू जाने दे. What God said had come true. परमेश्वर ने जो कहा वो बिल्कुल सच हुआ, पूरा हुआ. And does Moses just go and speak there? और क्या मूसा बस वहाँ पर जाकर इससे कह देता है? Does Moses just go and present himself
in front of Pharaoh? क्या मूसा जाकर बस ऐसे ही फिरौन के सामने खड़ा हो जाता है? Exodus 11:10. निर्गमन 11:10. He did signs, wonders and miracles. कहता है उसने चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम किए. God turns his stick, his rod into snakes. परमेश्वर ने उसकी लाठी को सांप में बदल दिया. He turns his rod into a snake. उसने उसकी लाठी को सांप में बदल दिया. And the plagues come. और फिर उसके बाद में बहुत सी मरियां भी आई. These are all signs, wonders and miracles that God asks him to perform. और ये बहुत से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार है जो परमेश्वर ने उसे वहाँ पर करने के लिए कहा था. So when God calls you, यानी जब परमेश्वर आपको बुलाता है, in your eyes you might look weak. आप अपनी नजरों में शायद बहुत ही कमजोर दिखाई दे. In your eyes you might look tiny. आप अपनी आँखों में शायद अपनी दृष्टि में बहुत ही छोटे दिखाई दे. In your eyes, in the people's eyes, you might look unworthy. आप अपनी आँखों में और लोगों की दृष्टि में बिल्कुल अयोग्य दिखाई दे. But in God's eyes, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से, you are precious. आप बहुमूल्य हैं. You are precious. आप बहुमूल्य हैं. You are one of a kind. आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं. And that's why God has chosen you. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है. Yes, the pressures of this world are a lot. हाँ, इस संसार में बहुत सी बातों का दबाव है. They will come and engulf you sometimes. वो कभी न कभी आकर आपको मानो निगलने की कोशिश करेंगे. But the only thing that will keep you standing. लेकिन एक ही बात है जो आपको हमेशा डट कर खड़े रख सकती है. Is a faith in Christ. और वो है मसीह यीशु में विश्वास. And that faith will come when you love Jesus. और वो विश्वास तो तब आएगा जब आप यीशु से प्रेम रखेंगे. Today God is doing great miracles through me. और आज परमेश्वर मेरे द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार कर रहा है. I stand here as a testimony. मैं यहाँ पर एक गवाह के रूप में सामने खड़ी. I used to think, मैं सोचती थी, I cannot survive in the ministry. मैं ये सोचती थी कि मैं किसी भी तरीके से सेवकाई में नहीं रह सकती. But today God is doing amazing things. लेकिन आज परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है. And it's all because of Jesus. और ये केवल यीशु के कारण ही हुआ है. I could not have done this. मैं तो ये नहीं कर सकती थी. And still I am not doing anything. और अभी भी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. I am just standing here and saying, Lord, let your will be done. मैं यहाँ पर बस खड़े रहकर यही तो कह रही हूँ, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो. In the same way, when you do that, और इसी तरह से जब आप खुद इससे करते जाते हैं, God will do miracles in your life. परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम करेगा. So tonight is a night of miracles. और इसीलिए आज चमत्कार की रात है, चमत्कार का समय. How many of you have come here expecting a miracle? Can I see your hand? कितने लोग आप यहाँ पर आए हैं अपेक्षा करते हुए कि चमत्कार होगा? आप अपने हाथ जरा उठा के दिखाइए. Do you think God knows your need? क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है? Can I hear a yes? क्या मैं हाँ सुन सकती हूँ? Louder. जोर से कहिए हाँ. Do you think God can fulfill that need tonight? क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आज रात उस जरूरत को पूरी कर सकता है? Come on, shout it. Come on, जोर से बताइए. Yes. हाँ. God can do it tonight. परमेश्वर आज उसे कर सकता है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु. Jesus Christ is here. यीशु मसीह यहाँ पर है. And he has already started working. और उसने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है. He's already started to do miracles. उसने अद्भुत काम और चमत्कार करना शुरू किया. Let's close our eyes and pray for a few minutes. आइए अपनी आंखें बंद करें और कुछ पल के लिए प्रार्थना करें. My friends, keep believing. मेरे दोस्तों, आप विश्वास करते रहें. Keep believing. विश्वास करते रहें. The Lord is here to do miracles. आज परमेश्वर यहाँ चमत्कार करने के लिए है. Jesus, I love you. यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूँ. Keep saying that. इससे आप कहते चले जाएं. Keep saying that. इससे बस आप कहते चले जाएं. Keep saying that. इससे बस कहते चले जाएं. He's just looking into your heart. वो अभी इस समय आपके दिलों में देख रहा है. And he's looking to see if you trust him enough. और वो ये देख रहा है कि आप उस पर इतना भरोसा करते हैं, काफी भरोसा करते हैं. If you have faith enough. और क्या आप में इतना विश्वास है, भरोसा है. That he can heal you. कि वो आपको चंगाई दे सकता है. So just keep saying, I love you, Lord. और इसलिए बस कहते रहे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु. The Lord's gonna do mighty miracles tonight. और आज परमेश्वर महान सामर्थी काम करेगा. He has already started working. उसने काम करना शुरू कर दिया है.